नाम है मेनका सिंह जी मैम। मेरा राजनीतिक परिचय है। मैं जौनपुर से महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जी और आज के समय में मैं काशी क्षेत्र में क्षेत्रीय मुख्यमंत्री महिला मोर्चा के पद पर भाजपा में सेवा दे रही हूँ। खबर आजमगढ़ जनपद से है। नगर पालिका चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सभी मोर्टिनगंज ब्लॉक में से भाजपा नेत्री मेनका सिंह से उनके आवास पर चुनाव को एवं अन्य मुद्दों को लेकर जब हमारे संवाददाता महफूज खान ने मेनका सिंह से सीधी बातचीत के दौरान कुछ सवाल किया तो मेनका सिंह ने बड़ी ही बेबाकी से उनका जवाब दिया। आपको बता दें, मेनका सिंह क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की जानी मानी महिला नेत्री हैं। इनकी खासियत है कि समाज की हर बुराई के खिलाफ बेखौफ होकर आवाज उठाती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी रहती हैं। जहां महिलाएं मोटरसाइकिल चलाने से डरती हैं, वहीं मेनका सिंह फोर व्हीलर से लेकर भारी भरकम बुलेट तक बड़े आराम से ड्राइव करती हैं। मेनका सिंह मोर्टिनगंज ब्लॉक से चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। मेनका सिंह एक संभ्रांत परिवार की बहू हैं और उनके परिवार की और मेनका सिंह की समाज में बहुत ही प्रतिष्ठा है। विशेषकर महिलाओं के बीच में वह बहुत ही लोकप्रिय हैं। अभी तक चेयरमैन पद के लिए जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं, उनमें वह अकेली महिला उम्मीदवार है। चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है, उनके क्या मुद्दे हैं, आइए जानते हैं उनके इन सवाल व जवाब से। मोर्टिनगंज आजमगढ़ से महफूज खान की रिपोर्ट। कुछ अपने बारे में बताएं। नाम है मेनका सिंह। जी मैम। मेरा राजनीतिक परिचय है। मैं जौनपुर से महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जी और आज के समय में मैं काशी क्षेत्र में क्षेत्रीय मुख्यमंत्री महिला मोर्चा के पद पर भाजपा में सेवा दे रही हूँ। और बेसिक जो मैं जिस रूप में जानती हूँ अपने आप को या चाहती हूँ कि लोग जाने, सिर्फ सेवा है। और सेवा के क्षेत्र को ही लेके मैं समाज में आगे आई या सेवा को ही अपना उद्देश्य बना के मैं समाज में आज भी काम कर रही हूँ। जी मैम, यहाँ की पुत्र वधु भी हैं और क्या कारण रहा कि मैम की राजनीति के मैदान में आप आ गए? कारण 2014 की राजनीति को हमने बहुत करीब से देखा। समाज में सामान्य तौर से जो छोटे अंचलों की जगह थी उसमें हमको जैसे लगा कि महिलाओं की प्रतिभागिता बहुत ही कम है जी। और महिलाओं की प्रतिभागिता अगर कम होगी तो निश्चित रूप से महिलाओं के विकास की दिशा में काम कम होंगे, महिलाओं के बारे में सोचने वाले लोग कम होंगे। बस यही दिखा, हमको लगा कि नहीं, महिलाओं के लिए कुछ हमको काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, समाज में बढ़ चढ़ के महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जागृत हुई और हम फिर राजनीतिक रूप से आ गए समाज में। नैना का जिक्र आया कि आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ था, उन हालातों में भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने अपने घर वालों को फोन लगाया और जो भी लोग थे उस गाड़ी में बैठे हुए थे आप सबको लेके हॉस्पिटल भी गई। क्या मैम, क्या वाक्य है, हमको भी बताइए। एक जीवन का सबसे संघर्षपूर्ण समय था जी। सबसे वो क्षण आज भी याद आता है मुझे कि हम गाड़ी में सोए हुए थे और इत्तेफाकन ड्राइवर को भी नहीं लगे और गाड़ी हमारी खाई में चली गई। जब मेरी नींद खुली तो अगली सीट पे मुझे पता चला कि मेरे शरीर का दो हिस्सा हो चुका है, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। हम पूरी तरह से खून से लथपथ थे, फिर भी देखे आगे पीछे देखे ड्राइवर को देखे, आप लोग ठीक हो? हाँ ठीक है। लेकिन जब मुझे लोग उठाने लगे हम खड़े हैं, एम्बुलेंस आ जल्दी दीजिए क्योंकि मैं उठ नहीं पाऊंगी। एक प्रयास था मेरा कि मैं खुद को बेहोश न होने दूँ, अगर मैं बेहोश हो गई तो मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगी क्योंकि जितने लोग फिर सारे के सारे मेडिकल रूप से अपरिपक्व थे और वो हमको चूंकि लग गया था मुझे मेरी बैकबोन टूट चुकी है, हमको गलत तरीके से उठाएंगे ले जाएंगे कैरी करने में स्पाइन हमारी डैमेज हो जाएगी। तो उस समय मैंने पूरी तरह से अपने को मेंटेन किया, परिवार को फोन किया, रायबरेली जिला हॉस्पिटल तक गई, फिर वहाँ मेरा खुद का निर्णय था कि मुझे KGMC ले जाया जाए और कहीं नहीं। परिवार को पहुँचने तक मैंने डिक्लेयर कर दिया था, रेफर कर दिए हमको। सबसे बुरा तब लगा जब मेरी स्पाइन का दूसरा ऑपरेशन हुआ।
एक ऑपरेशन असफल, दूसरा ऑपरेशन असफल, और डॉक्टर खड़ा होके मेरे सामने कह रहे हैं, मेरे सर्जन खड़ा होके कह रहे हैं कि मैम लगता नहीं है कि आप कभी चल पाएंगे। मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब आप सिर्फ मेरे टाके को डिस्चार्ज करिए, मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करिए। अब विश्वास दिलाती हूँ कि केजीएमसी की सीढ़ियाँ अपने पैर से चढ़ के आऊंगी। और मैं गई भी 5 महीने, रिकॉर्ड 5 महीने में मैं केजीएमसी की सीढ़ियाँ चढ़ के डॉक्टर साहब को दिखा दी। ना ये कोई कहानी है और ना ही कोई पर्दे पे कोई फिल्म चल रही है, ये जीवन की एक सच्ची जीत जाती सच्चाई है। और आज हम उसी सच्चाई से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आपका हेयर स्टाइल, आपकी और रहन सहन, आपका पहनावा देख के मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किरण बेदी से थोड़ी प्रभावित हुई हैं। निश्चित रूप से जी, निश्चित रूप से किरण जी हमारी सामाजिक क्षेत्र या प्रशासनिक क्षेत्र में किरण जी हमारी आइडियल रही, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हमारी आइडियल सुषमा स्वराज जी रही। अच्छा, मैंने अगर मैं याद आता है मुझे कक्षा 10 में हम थे, तब तक टीवी के पास से नहीं हटते थे जब तक सुषमा जी बोलते थे। उनका प्रभाव मेरे राजनीतिक जीवन पे बहुत ज्यादा रहा। और रहन सहन जो भी है वो थोड़ा सा सामाजिक रूप से करना पड़ता है हमको, जैसे लगता है जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरी फील्ड है, उसमें थोड़ा सा हम मजबूत नहीं दिखेंगे तो तमाम तरह की परेशानी आएगी सिर्फ महिला होने के नाते। तो इस चीज को मैंने, जैसे मेरा एक मेरी और एक स्टाइल है, मैं बुलेट चलाती हूँ, बुलेट से चलती हूँ, तो थोड़ी चीज ये चीजें जो है समाज में लोगों के सामने ये दिखाती है कि नहीं हम समकक्ष है, आपकी आवश्यकता नहीं है। और इन सारी चीजों को हमने शायद इसीलिए किया कि अपने को मजबूत दिखा सकूं। और मजबूत लोग ही, अगर महिला मजबूत ना हो तो उसके लिए सिर्फ किचन का काउंटर है, और अगर मजबूत महिला होती है उसके लिए रोड है। जब आप बुलेट लेके या यूं ही जी, आपका एक अंदाज सबसे अनोखा है, सबसे अलग है, तो मैम आपको देख के बड़ा एक प्राउड फील होता है, घमंड फील होता है। मैम जब फील्ड में जाती हैं, जब लेडीज लोग के बीच में बैठती हैं, वहाँ का स्मरण बताइए क्या करती है। अभी 5 मिनट पहले की बात बता रही हूँ, अपने पड़ोस में एक महिला, वृद्ध महिला थे जी, वो यहाँ गुजर गई है जी, और आप देख पा रहे हैं बनगांव है जी, जी। भर बस्ती है, वहाँ महिलाएं ऐसे 25-50 की संख्या में जमीन पे बैठे थे और बड़े ही आराम से उनके बीच जमीन पे बैठ के, गोल गोल जमीन पे बैठ के उनका हाल चाल लेना, माई दादी चाची, और हमसे उतना ही वो सहज थी जितना उन 50 आपस में सहज थे, बिल्कुल असहजता नहीं, ना उनको ना हमें। तो हम जहाँ जिस माहौल में जब जैसे जहाँ पहुँचते हैं वहीं के होके रह जाते हैं। मैम ये सच्चाई है कि राजनीति के मैदान में जाति जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि चक्रव्यूह पर भेद पाएंगी, क्या जनता के सभी वर्ग के लोगों का आप वोट अपने तरफ ले पा गए और क्या विजयी होंगी आप? निश्चित रूप से जी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितनी भी सेवाएं की हैं वो जातिगत आधार पे नहीं की है, मैंने हमेशा मानवीय मूल्यों को तवज्जो दिया है और मानवीय आधार पे ही लोगों की सेवाएं की है। मैं राजनीति कभी दिमाग से करने नहीं निकली, मैं लोगों से दिल से जुड़ी और लोग मुझसे दिल से जुड़े हैं, और दिल कभी जातिगत नहीं उठता है। बहुत 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 जबरदस्त बात आपने कह दी कि वाकई में दिलो दिमाग के रिश्ते कभी जातिगत नहीं होते। कभी मैम समाज में महिलाओं के लिए कोई संदेश? जी मैं निकली जी समाज में, घर से जब बाहर मैं समाज में निकली हूँ तो मुझे पता चला कि महिला का समाज में निकलना कितना संघर्षपूर्ण है जी। एक एक कदम, एक एक पल, जिस संघर्ष को मैंने जिया है उस संघर्ष को आप पूरे जीवन काल में महसूस ही नहीं कर पाएंगे। और वो संघर्ष प्रतिपल मुझे उन घर में बैठी हुई महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए पावर देता रहा, क्षमता देता रहा, उस क्षमता को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और एक अपनी छोटी सी सोच महिलाओं को लेके मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो कि अक्सर मेरे दिमाग में आती है, आप
50% की आबादी आपकी है, 50% जी, मेरी है जी। हम जब पैदा होते हैं ना तो समाज में कहा जाता है हलाने की बिटिया पैदा हुई है। थोड़ा सा भोजपुरी में हम बता रहे हैं आपको। जी जी मैं अच्छा लग रहा है। हलाने की बिटिया पैदा हुई है। जब हम पढ़ने जाते हैं ना तो कहा जाता है हलाने को बड़ी पढ़े जाती है। जब हम थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो कहा जाता है हलाने के पतो है आई है। थोड़ा सा और बड़े होते हैं हलाने को जाते हैं। और थोड़ा सा और आगे जाए हम तो कहा जाता है हलाने की माई मर गई। हमारा कोई नाम नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं। हम पैदा हुए एक पुरुष के नाम से, हम मर गए एक पुरुष के नाम पर। सिर्फ वो नाम बदलता रहा, मेरी कोई पहचान नहीं। तकलीफ देती रही है चीजें, जीवन भर तकलीफ देती रही। हमारे पास भी दो हाथ दो पैर दो आंख दो नाक कान, और हम वही हैं जो आपको 9 महीने कोख में रख के पालते हैं, अपने स्तन का दूध पिला के आपको बड़ा करते हैं, अपने सीने से लगा के अपनी ऊर्जा देके आपको मजबूत बनाते हैं। और हमारा कोई नाम नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। इस अस्तित्व के लिए खड़े हो गए कि नहीं हम हैं, और आप भी बाहर आओ। आपका समाज में 50% की भागीदारी है, उस 50% प्यार के जिद करो, लड़ जाओ, ले लो और साबित कर दो कि हम हैं, हमारा वजूद है। कहीं ना कहीं ये किसी नेता के शब्द नहीं थे, ये एक समाज की नारी बोल रही थी, अपनी पीड़ा को उजागर कर रही थी कि समाज में हमारी भी कुछ हैसियत है, हमारा भी कुछ मुकाम है, हमारा भी कोई रोल है, हमारी भी कोई पहचान है। और आज इस पहचान की खातिर औरत को, नारी को सामने लाने के लिए आज मेनका सिंह जी सामने हैं, एक लड़ाई लड़ रही हैं औरतों के लिए, अपने देश की नारियों के लिए। और कहीं ना कहीं बड़ी पीड़ा भी हुई इनके शब्दों में, जब इनके शब्द थे कि हमारी कोई पहचान नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन को ये शब्द झकझोर गया और कोई शब्द नहीं मिला कि मैं इन शब्दों का मैं क्या जवाब दूँ। सुरहन गाँव में घटना होती है, एक 9-10 साल का बच्चा जो है एक पेड़ के नीचे मृत पाया जाता है। पुलिस आती है, डेड बॉडी उठा के ले जाती है। सभी लोग ये आशंका जाहिर करते हैं कि लड़का जो है पेड़ से गिरा और उसकी मौत हो गई। लेकिन यही कि मेनका सिंह जी को इस बात का यकीन नहीं होता है, थोड़ा इनको डाउट सा लगता है। लेकिन उसी के 21 दिन बाद एक और 12-13 साल के बच्चे की लाश मिलती है उसकी, तो इनका जो है पूर्ण रूप से इनको यकीन हो जाता है कि कहीं कुछ ना कुछ इसमें घा। आइए हम इनसे खुद पूछते हैं। मैम जरा वो स्मरण बताइए मैम कि जो 2017 में जो घटना हुई थी सुरंग गांव में। 2017 में एक हमको याद आता है कि दोपहर का टाइम था जी। हम चूंकि उस समय जौनपुर रहते थे जी, तो जौनपुर में जो मेडिकल व्यवस्थाएं थी काफी हद तक उस पर हम काम कर लेते थे। तो घर से फोन जाता है कि राघव भैया करके एक है परिचित, उनके बेटे के कुछ हुआ है, डेट तो नहीं बताएगी लेकिन बोला गया कि कुछ हुआ है। हम कहे अच्छा ठीक है भेजिए हम देखते हैं। हम सदर हॉस्पिटल जाते हैं तो बच्चा डेड हो चुका था, जिंदा नहीं था जी। और लोग हमसे बताए, हम पूछे कि क्या हुआ था, लोग बोले कि पेड़ से गिरा था जी। लेकिन वहाँ जो डॉक्टर थे वो मेरे मित्र थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेनका जी गला दबा के हत्या की गई है इसकी, और आप प्लीज इसका पोस्टमार्टम कराइए। मैंने गांव वालों से बहुत निवेदन किया कि भैया आप लोग पोस्टमार्टम के लिए हमको आदेश दीजिए, पोस्टमार्टम कराते हैं इसका। उनके पिताजी से भी कहा, पता नहीं क्या कारण रहा, गांव वालों को शायद कुछ जो भी लगा हो, स्पष्ट मना कर दिया गया कि भाई पोस्टमार्टम नहीं होगा, आप रहने दीजिए। और मैं सुरहन बॉडी आई तब तक मैं प्रयास करती रही कि पोस्टमार्टम हो जाए, क्योंकि ये हत्या थी हमको पूरी तरह से स्पष्ट। घटना बीत गई, लोग उसके आश्वस्त नहीं हो गए कि चलिए ठीक है पेड़ से गिर के मर गया होगा। ठीक उसके 21 दिन बाद हम 9 बजे की टाइम थी, घर में बैठे थे, चाय पी रहे थे, एक फोन आता है गांव से कि एक लड़के की और मौत हो गई। चूंकि पहले वाला लड़का क्षत्रिय था, दूसरा वाला लड़का एक ब्राह्मण परिवार का बालक था जी। वो 12-13 साल का बालक था। हम कहे क्या हो रहा है गांव में। हम सुरहन आने के लिए
एक बार ये नहीं सोचे कि मैं कोई गाड़ी निकालू, कुछ नहीं, मैं सामने बाइक पड़ी थी, उस बाइक की चाबी लगाती हूँ, मैं सीधा उस प्लेस पे पहुंचती हूँ जिस प्लेस पे, वहां पे गांवपुर के लोग, महिलाएं या सचो, आपके सीओ सभी लोग उपस्थित थे और उस लाश की पंचनामा की व्यवस्था चल रही थी, समेट के उसको रखने की व्यवस्था चल रही थी, एक चद्दर बिछा था, उस चद्दर पे ही मैं बैठ गई, जिसमें बच्चे को उठाने के लिए चद्दर बिछा था, चद्दर पे ही बैठ गई। हम कह नहीं, हम उठाने नहीं देंगे। सीओ साहब आए, कहे कि आप सरकारी काम में व्यवधान पैदा कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी कहे कि ये आज आप लोग आए कि इसको खड़े में डूबने की वजह से इसकी मौत हुई है, उस दिन भी उस बच्चे को लेके आप लोगों ने कहा कि नहीं पेड़ के गिरने से, पेड़ से गिरने से मौत हुई है, ये दोनों बातों से मैं असहमत हूँ। मैं इस बॉडी को तभी पैक होने दूंगी जब आप आश्वस्त करेंगे कि वो जो पहले बच्चा मरा है उसको भी पोस्टमार्टम आप करवाएंगे, तब मैं पैक होने दूंगी। उस समय मेरा संयोग अच्छा कहिए या जो भी रहा हो, सुहासन भाई सर यहाँ के जिलाधिकारी हुए थे, दो तीन महीने पहले आए थे, चूंकि वो जौनपुर से आए थे, हमारे पुराने परिचित थे, मैंने डीएम साहब को फोन लगाया, हमने पूरी घटना से अवगत कराया, सर ऐसी ऐसी घटना और ये दूसरी घटना है। उन्होंने सीओ साहब को फोन किया, वहां पे उन्होंने मानवता के चरम को दिखाया, सीओ साहब को फोन किया, कहा कि जो मेनका सिंह कह रही है उसको देख लीजिए। सीओ साहब हमको कोऑपरेट करना चालू कर दिए, हमारा पूरी तरह से सहयोग लेना, हमको सहयोग देना चालू कर दिए। उस लाश का पोस्टमार्टम मैं आजमगढ़ स्वयं जाके कराती हूँ और बड़े ही जद्दोजहद के साथ 2:30 बजे रात को उसका पोस्टमार्टम होता है। मैं सुबह उस बच्चे के बॉडी को टवस में प्रवाहित करने के बाद घर आती हूँ, हम घर पहुंच भी नहीं पाते हैं तब तक उस पोखरे के पास सीओ अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। मैं पुनः पोखरे पर वापस आती हूँ, देखती हूँ तो पोखरे का पानी निकाला जा रहा है, पोखरे का पानी निकालने के बाद वो प्लेस खोजा गया, खोजने के बाद वहां से वो बॉडी निकाली गई, पुनः वही प्रोसेस होता है। दीदारगंज थाना, थाना से जाके फिर 2:30 बजे रात को उस बच्चे का पोस्टमार्टम होता है और वो छत बिछत बॉडी जो थी उसको देखने के बाद एक बार जल्लाद भी सिहर जाता है जी, जल्लाद भी कहता है कि नहीं मैं समेट नहीं पाऊंगा, उसको समेट के पुनः नदी में प्रवाहित करना। करने के बाद आती हूँ जब घर पे, मैं नाम लेके उस अपराधी का नाम लेके बताती हूँ कि सर ये अपराधी है, इसको आप उठवाइए। पकड़ा जाता है, अपने बुआ के यहाँ या किसी रिलेटिव के पास रहता है, वो पकड़ा जाता है और बहुत ही क्विक रिस्पांस मिलता है, प्रशासन अलर्ट होता है इस पे। और इसके बाद महिलाओं का एक हुजूम, बहुत बड़ा हुजूम, जो इस पूरी घटना से एकदम मर्माहत था, उनकी ममता हिल चुकी थी, वो हुजूम सुरहन गांव से लेके मार्टिनगंज ब्लॉक तक में हजारों की संख्या में महिलाएं मेरे साथ कैंडल मार्च निकालती हैं, अपनी संवेदनाएं करती हैं, उन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, उन बच्चों को इंसाफ, त्वरित गति से इंसाफ मिल सके, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है उन सबों के साथ अप्राकृतिक बलात्कार होने के बाद उनकी हत्या की गई है, दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली जाती है। और उस अपराधी पे सीओ साहब बहुत मदद किए, उस अपराधी पे पास्को और रसूका दोनों लगा और आज भी दोनों कायम है। अभी अभी हाल में ही मैं उसमें गवाह हूँ, गवाह के तौर पे मैं जब गई तो मुझे देख के ऐसे देख रहा था कि बाहर निकलेंगे तो सबसे पहला टारगेट आप होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझसे, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जहां भी गलती होगी, जहां भी दरिंदगी होगी, जहां भी समाज को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन समाज रहना चाहिए, समाज सुरक्षित रहना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। फैसला जनता को करना है कि आप सच्चाई से या बुराई के खिलाफ लड़ने वालों का साथ देंगे या जो दुनिया भर का ढोंग करते हैं, जो अपने आप को समाज का मसीहा मानते हैं उनका साथ देंगे, या रियल सच्चे हीरो या सच्चे नायकों का साथ देंगे, ये जनता के ऊपर है। हम एक छोटी सी मुलाकात कराना चाह रहे थे आपसे,
वो मुलाकात 2-4 मिनटों की होने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों बात खत्म होने का नाम ही ना ली और कुछ ऐसे स्मरण सामने आते गए जिनका जिक्र करना मैंने जरूरी समझा। आपको मैंने वो भी घटना सुनाया जब राजनीति में इनको आना हुआ, और ये भी घटना सच्ची है कि इन्होंने समाज को, समाज के खिलाफ जिन लोगों ने दरिंदगी दिखलाई बच्चों के खिलाफ, उन्होंने कड़ा एक्शन लिया। इनको कैसे पता चला कि वही व्यक्ति इसमें शामिल है? ये इनका पर्सनल स्रोत होगा, पर्सनल चीजें होंगे जिनको मैं नहीं चाहता कि मैं इनसे पूछूं। जरूर इनको भी कहीं ना कहीं से डाउट हुआ होगा या कुछ लोगों ने बताया होगा, तभी इन्होंने अंदेशा जाहिर किया। और ऐसा नहीं, इन्होंने जो अंदेशा जाहिर किया वो सच भी हुआ। पुलिस की विवेचना रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो गया कि वो घिनौना कृत्य उसी व्यक्ति ने किया था। आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। आप सभी लोगों का बहुत बहुत